अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुबैर सलीम और हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओस में डेफरल मेथड। व्हाट इज़ दिस डेफरल मेथड, लेट्स अंडरस्टैंड। गाइस, जो कंट्रीब्यूशंस एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जो चैरिटी रिसीव करते हैं, उस चैरिटी उस कंट्रीब्यूशन को रिसीव करके उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो दो मेथड्स के अकॉर्डिंगली की जा सकती है। There are two methods. के एक NPO को charity मिली, क्या accounting करें? So you have to pick according to the accounting standard for NPO के या तो आप deferral method follow करेंगे इस contributions की accounting के लिए, या फिर आप क्या करने वाले हैं, या फिर आप restricted fund method follow करने वाले हैं। So there are two methods. इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि डेफरल मेथड्स में जो अकाउंटिंग है फॉर दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस और फिर अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल्स बनेंगी वो डिफरेंट हैं, एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में जो अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी उनके जो हेड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब डेफरल मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा अगर एक कंपनी चूज़ नहीं करती कि उन्होंने कौन सा मेथड ऑप्ट करना है। इट मींस कि अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड को स्पेसिफिकली फॉलो ना किया देन ऑब्वियसली डेफर्ड मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस डेफरल मेथड सर, और क्या बातें कर रहे हैं हम लोग, एंड हाउ दिस मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस का जो अकाउंट बनाते हैं हम उससे? तो प्लीज़ एक बात अंडरस्टैंड कर लें। एक है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक एनपीओ कोई सर्विस दे के उसके अगेंस्ट पैसा रिसीव कर रही है, जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब अपने मेंबर्स से मेंबर्स फी ले रहा है और उसके अगेंस्ट सर्विसेज भी दे रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दो सर्विसेज, वो सर्विसेज रेवेन्यू बनेगी और हमें पता है जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू बनेगी। हम इस तरह की किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस जो चैरिटेबल डोनेशंस इन लोगों को मिलेंगी उनका क्या करना है हम लोगों ने। सो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस कि अब डेफरल मेथड क्या मेथड है, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। डेफरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ज़रा अंडरस्टैंड करें। तो ये मेथड कहता है कि सर कॉन्ट्रीब्यूशंस को यू नीड टू स्प्लिट, अगर आप उन कॉन्ट्रीब्यूशंस की काउंटिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्प्लिट करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन है कि किस तरह स्प्लिट करें, आंसर बहुत ही आसान है। देखें, एक मस्जिद है, मस्जिद इज़ ए एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पोर्ट्स क्लब एक एनपीओ है। मस्जिद में समटाइम्स लोग आपको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, और वो पैसे के साथ क्या बोल देते हैं कि यार इसके स्पेसिफिकली आपने पंखे लगवाने। अब ये एक जो डोनेशन है या ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये एक पंखों को यानी एक नॉन क्रेडिट एसेट को खरीदने के लिए दिया गया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहेंगे दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू अ नॉन क्रेडिट एसेट। फिर समटाइम्स आपको पैसा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि स्पेसिफिकली पैसा दिया जा रहा है आपको टू बाय अ लैंड, इसको हम लोग कहेंगे यार कि नॉन करेंट एसेट की वजह से कंट्रीब्यूशन है, बट ऑब्वियसली जो नॉन करेंट एसेट कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से मिल रहा है वो नॉन डेप्रिशिएबल है। फिर समटाइम्स लोग कह देते हैं यार ये पैसे यहाँ रख लें, बिल दे दीजिएगा, जो दिल करे कर लीजिएगा, नॉर्मल ऑपरेशन में यूज़ कर लीजिएगा, या साथ में पैसा दे के कोई रिस्ट्रिक्शन अटैच नहीं करते। तो जब इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे तो हम इन्हें कहेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन विल डिसाइड के विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज दिस। इट मीन्स के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है कि भाई जान वो कॉन्ट्रीब्यूशन जब एक पार्टी जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, जब वो कॉन्ट्रीब्यूटर हमें पैसा दे रहा था तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट, और लगा भी रहा था या नहीं लगा रहा था। अब समझते हैं जरा कि कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हैं और उनका अल्टीमेटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज एग्जैक्टली इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चों अब ये इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉट इज दिस इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है। इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक पार्टी आपको पैसे कॉन्ट्रीब्यूटर एक पैसा देता है, आपको चैरिटी करता है वो, और वो कहता है यार ये पैसा आपने यूज नहीं करना। आप कहेंगे सर फिर आप दे क्यों रहे हैं, वो आपको कहेगा कि ये इतना बड़ा पैसा बड़ी अमाउंट में आपको दे रहा हूँ, ये आप किसी एक बैंक अकाउंट में रखवा लें, और
इस पैसे को आपने, इस प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं छेड़ना आपने। यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस प्रिंसिपल अमाउंट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सर फिर हम यूज़ क्या करेंगे? सर ये बैंक में रखवाएंगे और उस बैंक पे हम इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देंगे। एंड उस कॉन्ट्रीब्यूटर ने आपको कहा है कि इसके इंटरेस्ट से आप कॉन्ट्रीब्यूट, आप यूज़ करें अपनी चैरिटेबल जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करें। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो भाई आपको प्रिंसिपल यूज़ करना अलाउ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने मुझे 2 बिलियन दे दिया है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं हम, एक NPO रन करते हैं, 2 बिलियन हमें मिला, तो वो 2 बिलियन हमारे अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, उस पर जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो हम अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये 2 बिलियन हम चेंज, इस 2 बिलियन का हम कुछ नहीं कर रहे, इसको नहीं छेड़ सकते आप, ये अमाउंट आपको मेंटेन रखनी है। हाँ, ये हो सकता है कि उसने आपको कहा हो 2 बिलियन मेंटेन करना है और उसने आपको कई ऑप्शंस दे दिए हो, आप बैंक में मेंटेन कर सकते हैं, आप बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट्स में रखवा सकते हैं, आप किसी डिविडेंड यील्डिंग कंपनी में यानी किसी स्टॉक में लगा के उससे डिविडेंड कमा सकते हैं, या आप किसी प्रॉपर्टीज़ में लगा के उससे रेंट कमा सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ के जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप उस कभी यूज़ नहीं कर सकते टू रन द एक्टिविटीज़ ऑफ योर NPO। सो इट मीन्स के प्रिंसिपल अमाउंट को मेंटेन रखना है, एंडोमेंट फंड। देखो रीज़न बड़ी सिंपल है, अगर कोई सोच रहा है कि ऐसा फंड क्यों लोग देंगे, तो सर सदका जारिया, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है मुस्लिम्स में कि अगर आप एक चैरिटी करते हो और उसको वो जितनी देर लोगों को बेनिफिट देगी उतनी देर आपको सवाब मिलता रहेगा। ऐसे ही है, अब एक बंदा चाहता है कि 2 बिलियन है, अगर वो चैरिटी को देगा और 2 बिलियन वो सारे खर्च कर देंगे तो उसको लग रहा है कि मेरा पैसा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा सब सदका जा रही है लंबे टाइम के लिए नहीं रहा। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा एंडोमेंट फंड बनाएं भाई आप, और इस फंड के मैं जितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ इस फंड में रखते जाएँ, हाँ हाँ जो उसके ऊपर रिटर्न आ रहे हैं उन्हें आप यूज़ करें। एंड देयर आर सर्टन सिचुएशंस जिसमें वो रिटर्न को भी कहा जा रहा हो कि 50% रिटर्न इस प्रिंसिपल में ऐड करते जाना और 50% यूज करते जाना, ताकि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता जाए। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कॉल्ड इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। सर अगर टोटल प्रिंसिपल मेंटेन करने की रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो सर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कोई और टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन है। तो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ वो कंट्रीब्यूशंस हैं जो के इंडोमेंट फंड में किए जाते हैं, और इंडोमेंट फंड मतलब जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द NPO। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब तो करना क्या है सर, आप खुद सोचें जरा, पॉइंट क्या है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। सर जब भी एक NPO के पास पैसा आएगा तो 3 तरह के ट्रीटमेंट्स टोटल अवेलेबल होते हैं। अब एक आम ऑर्गेनाइजेशन में भी यही 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, पहला ट्रीटमेंट हो सकता है मेरे बच्चों कि जो पैसा हमें मिल रहा है वो हमारी इनकम है। तो अगर वो हमारी इनकम है तो किधर जानी चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या P&L में। तो पहला पॉइंट क्या है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम बनाएं, जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है एंड गानी खत्म करें। ये एक पहला ट्रीटमेंट है जो कि अवेलेबल है। ओके सर, दूसरा ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, दूसरा ट्रीटमेंट है कि यार जो पैसा आ रहा है हमारे पास ये एज ए इक्विटी आ रहा है। इक्विटी को यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे नेट एसेट्स हैं, इक्विटी को नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, इक्विटी भी कह सकते हैं और फंड्स भी कह सकते हैं। तो ये नेट एसेट्स हैं, ये फंड्स कहलाता है इक्विटी, जिसे हम कहते थे प्रॉफिट बेसिस ऑर्गेनाइजेशंस में, उसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसे फंड्स बोल रहे हैं। सर दूसरा ट्रीटमेंट है कि जो दे रहा है वो ऑनर दे रहा है, जस्ट लाइक ऑनर उसे इक्विटी में ले जाए, ये कॉरपोरेशंस की बात है, ये कंपनीज की बात हो रही है। बट हम पढ़ रहे हैं NPO, तो NPO में जो कॉन्ट्रीब्यूशन कोई दे रहा है हम उसे नेट एसेट्स में भी समटाइम्स लेके जा रहे होंगे। एंड वॉट इज द थर्ड ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट ये है कि यार भाईजान आप इसको लाइबिलिटी बनाएं और बाद में देखें क्या करना, इट कुड बी अ लाइबिलिटी। सर ये टोटल 3 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जब भी हमें हमारे पास कहीं से कोई रिसोर्सेज आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है जो इंडोमेंट फंड है इसे क्या करें अंडर डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो आंसर है सर क्या ये पैसा आप यूज कर सकते हैं, जिधर दिल करे यूज कर लेंगे। तो आंसर है नहीं सर ऐसा तो नहीं है, जिधर दिल करे उधर तो यूज नहीं हो सकता। तो सर जिधर दिल करे उधर यूज नहीं हो सकता, तो फिर ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा सकता। दिस इज नॉट योर इनकम, जैसे आप इनकम को लेके जा चले जाएं और उस इनकम में से अपने ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि आप क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्टली लेके जाएंगे नेट एसेट्स,
फंड्स में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है गाइस, रिकग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन द करंट पीरियड एंड एक्सक्लूड फ्रॉम रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू नहीं दिखाना भाई, प्लीज रेवेन्यू ना दिखा देना, दिस इज द पॉइंट। ओके सर, इतनी बात समय समझ आ गई सर, अगली बात क्या सर? एंडोमेंट फंड्स, तो सर कहाँ पे जाएगा फंड्स में? जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बना रहे होते हैं कहाँ पे, एक आम बिजनेस में, इन द सेम वे हम यहाँ पे बना रहे होते हैं चेंजेस इन नेट एसेट्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो चीज़ है ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, जस्ट लाइक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आप इसे स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स हैं भाई, ये वी हैव स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। तो ये स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में जाएंगे और जिस नाम पे, यानी जिस तरह हम लोग डिफरेंट हेड्स बना लेते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, इस तरह हेड्स बनाते हैं ना हम चेंजेस इन इक्विटी में, इन द सेम वे हम यहाँ पे हेड बनाएंगे नेट एसेट्स में एंडोमेंट फंड के नाम से, और इसको जो इसको हम एंडोमेंट फंड में ले जाएंगे। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेंट फंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, आप इसे डायरेक्ट नेट एसेट्स में ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाएंगे। ओके सर, लायबिलिटी, लायबिलिटी भी नहीं बनाएंगे सर। किधर लेके जाएंगे? डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। जिस तरह कई चीज़ें एक आम कंपनी में भी डायरेक्ट चली जाती होती थी चेंजेस इन इक्विटी में, इन द सेम वे यहाँ पे एंडोमेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो एंडोमेंट फंड में, नेट एसेट्स में जाएंगे, चेंजेस इन नेट एसेट्स की स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ फंड्स में, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा सकते, ये लायबिलिटीज नहीं बनेंगे। याद हो गया? गुड। अब आ जाइए बच्चों, देर आर सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। उन लोगों ने आपको क्या कहा कि भाई ये पैसे इस पर्पज के लिए यूज करने हैं, द पर्पज इज क्लियर, पर्पज की क्लैरिटी उन्होंने आपको दे दी है। मसलन उन्होंने कहा जी आने वाले 2 सालों के पैसे इस इन दो आने वाले 2 सालों की बिजली के बिल यहाँ से पे करना है। सो द पर्पज इज क्लियर, जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो आपको कह रहा है 2 साल बिजली के पैसे यहाँ से पे होने चाहिए। फिर कॉन्ट्रीब्यूटर और क्या कह रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटर आपको कह रहा है कि भाई हेलो भाई भाई ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ इससे बिजली के क्या लगवा लीजिएगा, एसी लगवाने हैं आपने। सर ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ इससे सोलर पैनल लगवाने हैं आपने। सर ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ ये बिल्डिंग के लिए दे रहा हूँ, ये पैसे दे रहा हूँ मैं स्टेडियम के लिए दे रहा हूँ। सो इट मीन्स कि कॉन्ट्रीब्यूटर आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब चैरिटी कर रहा है, आपकी एक एनपीयू है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहा है आपको बट विद रिस्ट्रिक्शंस। इनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूटर क्लियरली स्टेट करे कि ये पैसा किस पर्पज के लिए यूज होगा, दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस का ट्रीटमेंट बहुत मिलता जुलता है बच्चों, जो हमने आईएस 20 में पढ़ा। आईएस 20 अगर आप लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट्स याद है तो फिर ये भी आप लोगों को बहुत इजीली समझ आएगा जो भी हमने यहाँ पे पढ़ना। बट ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल डिफरेंस जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होएगा, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ। सर यहाँ पे आईएस 20 एप्लीकेबल नहीं है, स्पेसिफिकली आईएस 20 यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट ट्रीटमेंट है, नॉट रेलेवेंट। बाकी हर जगह रिस्ट्रिक्टेड में आपने आईएस 20 यूज करना और ये माइंड में रखना है कि ये यूज करना। ओके सर फाइन, ठीक है आप कहते हैं तो। ओके सर समझाएं सर। सर अगर रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज फॉर एक्सपेंसेस, उन्होंने कहा जी बिजली के बिल पे करें, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए यूज करें, सैलरीज के लिए यूज करें, ठीक है, ट्रेनिंग्स के लिए यूज करें, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए यूज करें, यानी एक्सपेंस के लिए हमें एक कॉन्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यार एक्सपेंस फॉर करंट पीरियड ये कॉन्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंस फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये नहीं जी ये हम देखेंगे, या फ्यूचर की वजह से या करंट की वजह से। अब अगर करंट की वजह से है तो हम लोग क्या करेंगे फिर? सर करंट ईयर के एक्सपेंस के लिए को कंट्रीब्यूशन आया तो इन एक्सपेंसेस को आप यूज कर सकते हैं एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस भी इनकम स्टेटमेंट में और ये जो पैसा आ रहा है ये भी इनकम स्टेटमेंट में। मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे आप, मैचिंग कॉन्सेप्ट, और आईएस 20 भी यही फॉलो करता है। तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है तो ये आप लोग पीएनएल में ले जाएंगे, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
तो ये सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे और ये आपका रेवेन्यू बन जाएगा. रेवेन्यू मीन्स ऑब्वियसली इनकम के हेड में जाना चाहिए इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके सर, आसान है सर. करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए इनकम ले जाएं, बिल्कुल. अगर सर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हो तो सर, अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हो तो फिर भी सिंपल है यार. फ्यूचर एक्सपेंस आपने करना है फ्यूचर में, तो जो पैसा आपको रिसीव हुआ है ये ट्रीट होना चाहिए अभी एज अ लायबिलिटी. तो पैसा आया डेबिट कैश क्रेडिट लायबिलिटी करें, और फिर जैसे जैसे एक्सपेंसेस इनकर होंगे जिन ईयर्स में होंगे उन्हीं ईयर्स में आप इसको इनकम बनाएंगे. मैचिंग कॉन्सेप्ट. इसका मतलब ये है कि डेफर करेंगे आप इसको. डेफर करने का मतलब ये है कि आप इसकी एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे. सबसे पहले होगी लायबिलिटी क्रिएट. लायबिलिटी क्रिएट की आपने डेबिट कैश या जो भी एसेट आपको एज ए ग्रांट मिल रहा है, तो डेबिट कैश या डेबिट लैंड, अगर लैंड मिल रही है, ट्रैक्टर मिल रहा है तो डेबिट ट्रैक्टर कर लो. क्रेडिट लायबिलिटी, फिर आप इसको क्या करेंगे, रिकग्नाइज एज रेवेन्यू इन द सेम पीरियड एज अ रिलेटेड एक्सपेंसेस. रिकग्नाइज, फिर जैसे जैसे वो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे होंगे इन द सेम वे, उसी तरीके से आप इसको क्या बना लेंगे, इसको भी इनकम बना लेंगे. सर आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. सर बिल्कुल ठीक है सर. पहले दिन डेबिट कैश टू लायबिलिटी करें, फिर लायबिलिटी टू इनकम करते जाना जैसे जैसे एक्सपेंसेस इनकर होंगे. और एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा कम हो रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ये जो इनकम बनानी है ये भी ज़्यादा कम. जिसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं उसमें इनकम ज़्यादा बनेगी, जिसमें एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं उसमें एक्सपेंसेस कम बनेंगे. ओके सर, फेयर इनफ. सो व्हाट अबाउट फॉर एसेट्स, अगर मुझे कोई कंट्रीब्यूट करे और वो कहे कि एसेट की वजह से कर रहे हैं, टू बाय एन कैपिटल एसेट, एक एसेट की वजह से हम दे रहे हैं, पंखे खरीदेंगे आप इससे एक स्टेडियम बनाएंगे, आप इसमें एक बिल्डिंग बनाएंगे, आप एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, यानी एक बिल्डिंग मशीन खरीदने के लिए, एक नॉन करंट एसेट के लिए आपको एक कैपिटल एसेट के लिए ग्रांट दी जा रही है. फिर हम देखेंगे यार कि ये डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं. अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो क्योंकि एसेट ने डेप्रिशिएट होना थोड़ा थोड़ा करके आने वाले टाइम में, फिर हम इसको कहेंगे यार अभी इनकम बनाना ज्यादा है. मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस तरह एसेट ने डेप्रिशिएट होना ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, इन द सेम वे आपको भी क्या करना चाहिए, आपको इसको पहले दिन लायबिलिटी बना लेना चाहिए. तो इसका मतलब है कि इसे भी आप डेफर करेंगे, यानी पहले दिन लायबिलिटी बनाएंगे, कैश टू लायबिलिटी एंट्री होगी, और फिर जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एसेट पे, जितनी देर की डेप्रिसिएशन होगी उसी तरीके से आप इस लायबिलिटी को भी इनकम बनाएंगे. यू नीड टू अमोर्टाइज दैट. ओके सर, फाइन, आगे समझ सर. व्हाट अबाउट अदर थिंग सर, अब आगे क्या करें सर, इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल लैंड. अब इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल लैंड यहां पे थोड़ा डिफरेंट है. यहां पे इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल लैंड के बारे में कहा गया यार, क्योंकि ये चीज जिसकी वजह से ग्रांट मिल रही है वो एक लैंड की वजह से ग्रांट मिल रही है, ये डेप्रिशिएट नहीं होती. तो अब अगर ये डेप्रिशिएट नहीं होती तो फिर क्या करना चाहिए आप लोगों को, इसको भी आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेके जाना चाहिए. मैचिंग कॉन्सेप्ट. लेकिन ये मैच करने के लिए किस तरह बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं यार कि इसको डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स में ले जाना. डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स हैं, कहाँ जाएगा इंक्रीज इन नेट एसेट्स सर? ऑब्वियसली यू आर राइट, ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स. ये लें चेंजेस इन नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ फंड्स, ये लें ये यहाँ जाएगा. अब ये दिस इज समथिंग डिफरेंट. I-20 में ऐसा नहीं था. I-20 में ऐसा था कि अगर एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है तो फिर आप कंडीशन पीरियड देखें, लायबिलिटी बना के उस पर अमोर्टाइज करें कंडीशन पीरियड पे. बट यहाँ पे डिफरेंट है. सो यू हैव टू रिमेंबर देर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स जिनके हम लोगों ने क्या क्रिएट करने हैं, स्पेशल फंड क्रिएट करना है जिसका एक रिजर्व बनाना है हमने, और यहाँ से रिलेटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया करेंगे डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट आया करेगी आपके सामने. आप कहेंगे सॉरी इनकम स्टेटमेंट तुम्हारी जगह नहीं आ सकती, आप उठाएंगे इनकम स्टेटमेंट में नहीं लायबिलिटी और बाद में इनकम, नो. आप इसको क्या करेंगे, आप इसको नेट एसेट्स में डायरेक्ट लेके जाया करेंगे. ओके फिर सर, रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस इसको कहते हैं. थर्ड क्या है सर, थर्ड टाइप ऑफ जो कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन. कि एक बंदा आपको चैरिटी दे के ये नहीं कह रहा कि क्या करो, वो कह रहा है यार जो दिल करता है करो यार, जनरल ऑपरेशंस में यूज कर लेना, एक्सपेंसेस पे कर लेना, ये लो यार अपने ऑपरेशंस रन कर लेना, इस तरह की बातें करके आप लोगों को चैरिटी दे देता है, डोनेशंस दे देता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस दे देता है. तो इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्या करना चाहिए सर, इमीडिएटली आप पी एंड एल में ले जाएंगे, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, तो फौरन आप इनकम स्टेटमेंट में इसको रेवेन्यू बना लेंगे. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट कॉन्ट्रीब्यूशंस. प्लीज माइंड में रखें यू हैव टू डिवाइड द कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों मिला है, और फिर आप लोग उसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज
इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क कि आप इसको क्या करेंगे। ओके सर, इसके अलावा कोई बात? अब कॉन्ट्रीब्यूशन जब आप लोगों को दिए जाते हैं तो समटाइम्स तो कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिए जाते हैं, यार पंखे लगवा लो और यार अपने ऑपरेशन रन कर लेना, यार उसमें से आप सैलरीज पे कर लेते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, पंखे लगा लेना ड्यू टू डेप्रिशिएबल एसेट्स, लैंड खरीद लेना ड्यू टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आपको मिला है, सर एक्सपेंसिस पे करना अगले 2 सालों के, रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसिस हैं। ओके, इंडोमेंट फंड है कि ये प्रिंसिपल मेंटेन रखना है आपने, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं खाने बल्कि इसके ऊपर जो रिटर्न आएंगे वो खाने हैं, ये इंडोमेंट फंड है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है आपकी एनपीओ पे एक उधार चल रहा है, एक लोन चल रहा है, आपने लोन लेके स्टेडियम बनाया था, आपने लोन लेके सैलरी पे कर दी थी, आपने लोन लेके कोई पंगे ले लिए थे डिफरेंट तरह के और इनमें से कोई भी काम कर लिया था। अब एक बंदे के पास आप जाते हैं, उसे कहते हैं यार देखें एनपीओ चल रही है बट वी हैव अ लोन्स और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज डोनेशंस दें, कॉन्ट्रीब्यूट करें फॉर द रीपेमेंट ऑफ ग्रांट्स, रीपेमेंट ऑफ डेट सॉरी। सो होता क्या है, देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। इफ यू हैव रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, रिस्ट्रिक्टेड का वर्ड हम इसलिए लगा रहे हैं कि एक बंदा आपको कॉन्ट्रीब्यूट कह के करके क्या कहता है, ओ हेलो सिर्फ लोन वापस होना चाहिए, बल्कि वो अपने बंदे को भेजता है कि यार जाओ जाओ लोन वापस करवा के आओ, इनके साथ जाओ, वो कहता है मैं इंश्योर करूंगा पुत्र लोन पे हुआ या नहीं हुआ, ये पैसा मैं जो दे रहा हूँ इट इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, तो इसको भी हम रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड कहता है, कौन सा स्टैंडर्ड सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। ओके सर, क्या कहता है ये स्टैंडर्ड, ये कहता है कि भाइयों रीजन देखें, रीजन अगर रीजन है करंट एक्सपेंसेस यानी लोन का पैसा जो आपने लोन लिया था वो किस लिए था, अगर लोन का पैसा आपने लिया था फॉर करंट एक्सपेंसेस तो ये इनकम बन जाएगा, यानी सेम ट्रीटमेंट ये ऊपर वाला, इसीलिए आप लोगों को मैंने एग्जैक्टली रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट इन इन नोट्स में एग्जैक्टली इसके नीचे लिख दिया कि जो ऊपर वाला पर्पज है, जो ऊपर होता रहा है वही काम यहाँ पे होना है। ओके सर, क्या करेंगे हम लोग, सर अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस की वजह से है तो फिर ये डेफर हो जाएगा ये कंट्रीब्यूशन, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट्स की वजह से है तो डेफर मतलब लायबिलिटी बनेगा बाद में इनकम बनेगा, सर इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल लैंड्स ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा, डायरेक्ट नेट एसेट्स में जाएगा। सो दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने लोन का पैसा कहाँ यूज किया हुआ है, कहाँ यूज किया था जो जिसकी रीपेमेंट हो रही है, तो ये पर्पज इस तरह डिसाइड होगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये था कॉन्ट्रीब्यूशंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब गाइस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन जब आप लोगों ने सीख लिया है तो नाउ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन से पैसा इकट्ठा हुआ है ये पैसा कहीं ना कहीं पड़ा होता है, आपने इन्वेस्ट किया होता है डिफरेंट जगहों पर, सो वी हैव नेट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स, उन इन्वेस्टमेंट्स में हमें पैसे आएंगे यानी उन पे इंटरेस्ट आएगा, गेंस आएंगे, लॉसेस आएंगे। गेंस लॉसेस तब होते हैं जब आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ पे वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी बढ़ जाती हैं कभी कम हो जाती हैं। ओके सो वी हैव गेंस लॉसेस, समटाइम्स आप उन्हें बेच के प्रॉफिट लॉस कमाएंगे, सो इफ यू हैव नेट इन्वेस्टमेंट इनकम तो उसका क्या करना है, इंटरेस्ट आ रहा है डिविडेंड्स आ रहा है उनका क्या करना है, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आप और करें कि ये उन पैसों पे आ रहा है जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो इसको फौरन पीएनएल में ले जाएंगे आप, ये उन पैसों पे आ रहा है जो कि डेप्रिशिएबल एसेट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से हमें मिले थे उसकी वजह से आ रहा है तो फिर इसको डेट डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स में ले जाना है आप लोगों डायरेक्ट। ओके सर, अगर इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स मिला था तो फिर आप इसको पहले डेफर करें लायबिलिटी बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा इनकम बनाए डेप्रिसिएशन पीरियड के साथ साथ। सर अगर आप लोगों को मिला था एक्सपेंस की वजह से फ्यूचर की वजह से तो जो एक्सपेंस पीरियड है उसके ऊपर लेके जाए। सर अगर इंडोमेंट फंड की वजह से मिला था तो इंडोमेंट में आपने रीजंस देखनी है, अगर ये वो पैसा है जो कि आपने यूज करना है कहीं किसी भी पर्पज के लिए तो रेवेन्यू बन जाएगा, अगर ये वो पैसा है जो कि फंड में प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, वो कह रहे हैं आपको 80% पैसा ऐड होना चाहिए प्रिंसिपल में, 20% इधर दिल करे यूज कर लो, तो जो 80% ऐड हो रहा है एंडोमेंट में तो ये तो कहीं यूज नहीं ना हो सकता, तो इट इज एक्चुअली बिहेविंग जस्ट लाइक एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो इसको आप लोग नेट एसेट्स में डायरेक्ट इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इन डेफरल मैथड। गाइज ये था डेफरल मैथड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आप लोगों के सामने है, प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से समझ के
आपने माइंड में स्टैब्लिश करके हमने आगे बढ़ना है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग इन द अपकमिंग क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें हम लोग इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का ट्रीटमेंट करेंगे और सीखते हैं कि हम लोगों को ये बात समझ आ गई है या नहीं. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.